हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 14th क्वेश्चन। दिस 15th क्वेश्चन इज सिमिलर दैट ऑफ 14th, 11th, दीज आर ऑफ सेम काइंड, 11th, 14th एंड 15th। ये 12th और 13th ये सेम काइंड की है, ठीक है। तो ये कैटेगरी बना करके आप इनको अच्छे से और क्लियर कर सकते हैं। तो अभी करते हैं सॉल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है, 2 - 3 - x अपॉन में x - 1 इक्वल टू 3x + 4 अपॉन में x + 1, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x - 1 x + 1 ये बनाना है हमें। तो इसके कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो इसका मतलब 1 है। तो 2/1 इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करो, ये इसकी वैल्यू होती है x² - 1, सॉल्व करें तो ठीक है। तो ये हुआ x² - 1 x² - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1, क्यों, क्योंकि नीचे हमें x + 1 चाहिए, x - 1 तो है, ये और चाहिए था, तो ये किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 3x + 4 अपॉन में x + 1, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से, ओके। तो हमें यहाँ ऊपर मिला 2x² - 2 अपॉन में x² - 1, a + b a - b = a² - b², a² मतलब x² b² यानी 1 square, 1 का square 1 ही होता है, यानी कि -1, ठीक है। माइनस का 3 × x 3 × 1 3, -x × x - x² एक पावर इसकी होगी, एक पावर इसकी होगी, तो स्क्वायर आ गया, -+ - x × 1 x डिवाइड में x² - 1, और फिर यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे, 3x को पहले x से करेंगे, 3x² 3x को -1 से करेंगे -3x, 4 को x से किया 4x, 4 को -1 से किया -4, बाय में x² - 1 मल्टीप्लाइंग x² - 1 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हमें मिलेगा यहाँ पर ऊपर ऊपर वाली टर्म में 2x² - 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो निशान बदल जाएंगे इन सबके, या ऐसे करते बाद में सोल्व कर लेंगे, अंदर सोल्व कर देते पहले, -x² 3x - x 2x + 3 इक्वल टू 3x² - 3x + 4x, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का निशान आएगा प्लस का, बड़ी वैल्यू 4 है क्योंकि, तो ये x आ गया, माइनस का 4, डेनोमिनेटर गायब हो गया, कुछ नहीं है, 1 है यानी कि। तो 2x² - 2 - - + x², ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का निशान होता है तो अंदर के सबके निशान बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस 3, ओके, और इधर 3x² ये जो इधर वाली वैल्यू है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस का 3x² माइनस का x, और 4 को उधर ही रहने दिया क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ रखनी है, 2x² + x² 3x² - 3x² 0, ठीक है, एक साथ लिख कर दिखा दो, x² वाली एक तरफ होगी, फिर x वाली एक ये है, x वाली एक ये है, दो ही है बस, -2x - x फिर कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं, -2 इधर जाके +2 हो गई,
माइनस थ्री दूसरी तरफ जा करके प्लस थ्री हो गई, ठीक है। तो ये तो कट गया पूरा, जीरो हो गया। यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का 3x, और इधर क्या आया 3 2 + 3 5 5 - 4 1, तो x की वैल्यू आई माइनस 1/3। ये हमारी वैल्यू आई है। अब आप ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख करके, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में भी x की वैल्यू है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दीजिए एक वैल्यू आएगी, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर दीजिए एक वैल्यू आएगी, दोनों बराबर अगर आती है तो फिर वो सॉल्यूशन, ये आपका जो आंसर निकला सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। चेकिंग के लिए कहे तो आप करके देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप इसे सोल्व करके देखना चाहते हैं, जैसे हमने पता लगाना चाहते हैं आप, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, एंड डोंट फॉरगेट